अगर आप नहीं डिजर्व करते तो मैं नहीं कर देता आपको सफाई, आराम से समझे? और मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, अभी भी गलत दिख के आ ही रहा हूं ना। तू गिल्टी मानता उस बात की? उस बात का गिल्टी नहीं मान रहा पता है मैं। सबको उस बात का गिल्टी कितना नहीं दूध मान का दूल्हा तू, सबको रहा। पता है। ठीक और है इतना अगर बड़ा आपको हीरो लग भी नहीं है, तेरे पीछे 200 लड़कियों की लाइन भाई थी। मैं कुछ भी नहीं हूं, बट हाँ प्लीज ये अभी मेरे को बात बख्श दे दो भाई, मेरे को बख्श दे दो। मैं हालत में नहीं हूं और मैंने उस वे में नहीं बोला है। बस आपको मैं एक चीज बोल रहा हूं कि मैंने उस वे में नहीं बोला है, ना मैंने कुछ गलत वर्ड यूज किया हूं, ना मैंने उनको कभी गलत नजरों से देखा हूं। और अगर आप जाके मेरी, वो तो तेरी लैंग्वेज से पता ही लग रहा है ठीक है साला, मेरी गलती होगी ना कि घटिया लोगों के साथ बैठने दिया, क्योंकि हमें तो पता है ना, हमारे घर वालों में यकीन है हमें तो, पर सामने वाला नहीं पता था ना, साला नीच है। साला जिस थाली में खाता उसी में छेद करता इधर है। इतना सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ आपको, आपने जितने दिन मेरे साथ बैठे हो, हाँ आपको लगता है मैं ऐसा मैं हूं? ये शक नहीं करता। अब आ गई ना सामने, अच्छा कोई एक मेरे बात सामने बताओ, बोलेगा, मेरे एक बात सामने बताओ, बात करता है, अगर मैं ये तेरा ऐसा, दोस्त है ना, अच्छा इससे पूछ ले, अच्छा सुनो, इससे पूछ ले अच्छा सुनो ना, मेरी बात। अगर इसने मेरे को उस चीज बोली, इससे पूछ। अच्छा मेरी बात अरे सुनो, इससे पूछना, तू क्या मुझसे क्या पूछू, सफाई क्या मांग रहा पूछू, है? क्या पूछू, इसको पता तू कैसा है, क्या पूछू इनसे, तेरी मैं क्या हकीकत पूछू, उसको बहुत अच्छे से क्या पता है पूछू क्या, लेकिन उनसे जो मैं, तूने बोला हाँ था। मैंने इसको हाँ क्या बोला था तेरे कान में, सिर्फ इतना बता। पहले देख बोला था कटारिया, मैं बिल्कुल सच बात जुबान बता रहा देखो, हूँ, आदमी अच्छा का सच जुबान बात का होता बता, है और बाप का होता है। सुन तो तुझे सारी लो, इंट्यूशन पता है और सारा पता ये बता ही है। दो तुम्हें, भाई तू जा यहाँ से, गाली गलौची बजाई जा। तुमने पहले बोला था मुझे कि मैं एक बात के लिए गिल्टी हूँ, बोला था। फिर मैंने कहा क्या बात होगी, 8:30 में जल्दी बता। तूने मेरे कान में कही थी कि मुझे भाभी बहुत अच्छी अच्छे लगती है, अच्छे लगते हैं। अच्छा एक क्या बात भाई? बताओ भाई, नहीं 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 भाई, क्या मतलब नहीं है, क्या मतलब इसका, क्या मतलब इसका, भाई हाँ मारने कुछ से आगे नहीं बढ़ा, नहीं क्या नहीं 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 मतलब नहीं इसका, नहीं मारा कैसे, मारा मारा कैसे, कैसे तोड़ मारूंगा अभी, आप कैसे, चल प्लीज से कंट्रोल विशाल, जब प्लीज तू कंट्रोल, घर मार वालों को मार बोलेगा ऐसे मार मारू, मार मार प्लीज कंट्रोल विशाल, घर वालों को बोलेगा क्या, समझ गए चुपके समझ होगी मेरे को, अच्छे से तुमको हाथ पे, बहुत अच्छे से हाथ पे नहीं होगी अरमान, चलाम तार में नहीं होगी हाथ पे, प्लीज मैं छुड़वा के फिर मारता हूँ अरमान, प्लीज मैंने क्या बोला अरमान, कह रहा उसके बारे में बोल रहा है, 24 घंटे बिठा रखा, पूरी दुनिया ने देखा है ना। हेलो राधे राधे, कैसे हो आप, आई सब अच्छे होंगे। तो आज मैं करूंगी अरमान मलिक के बारे में बात, क्योंकि उनके बारे में बात करना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि पहली बात तो बिग बॉक्स में आज तक किसी के साथ हाथापाई नहीं हुई है, ठीक है ना। पर आज जिस अरमान मलिक ने सारी हद पार कर दी, ये टॉपिक है अरमान मलिक के बारे में। क्योंकि कल जो वीकेंड का वार था उसमें पायल मलिक पहुंची थी, तो पायल मलिक ने विशाल के बारे में कहा था कि विशाल आपने कटारिया से ये कहा था कि मुझे कृतिका भाभी अच्छी लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लगती हैं, तो उसने इसके बारे में क्योंकि मुझे ऐसे बेस पे नहीं किया था, मैं कृतिका भाभी को भाभी माँ मानता हूँ, कह दी चलो बच्चा, कह दी चलो कोई बात नहीं, अच्छी लगती हैं अच्छी, तो भैया हर कोई मजाक में गए तो मुझे तो ये अच्छी लगती हैं, भाभी अच्छी दिख रही हैं, अच्छी लगती हैं, तो ये बात आपने आके स्टेज पर कह दी। वहाँ पर अरमान मलिक इस बात को लेके भड़क जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पालक मलिक को भी अनिल कपूर जी ने समझाया वो कोई वो नहीं है, और आमने सामने बात कर ली, उसे भी डर्टी फील हुआ, मुझे डर्टी फील हो रहा है, कोई बात नहीं है, वहाँ पर वही टॉपिक अनिल कपूर जी ने ख़त्म कर दिया। और फिर जब एपिसोड ख़त्म हो गया तो अरमान मलिक विशाल पाणे से इतना झगड़े कि उनके चांटा भी मार दिया, बीच विचार में जो करने आए थे उनके भी धक्का मुक्की हो गई और उन्हें उसको चांटा मार दिया। मैंने आज तक अपनी लाइफ में अरमान मलिक जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। पहले तो अपनी पूरी फैमिली दोनों पत्नियों को लेकर आप बिग बॉस के अंदर आ गए, ठीक है ना, उसके बाद में आप पहले शिवानी जी से लड़ाई करी और फिर अब विशाल निशाने पर रख लिया, इस बात को क्या लेकर ये खेल खेलना आए कि एक दूसरे से दुश्मनी निकालने आए।
तो मुझे तो बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगा। आपसे विनती है कि कम से कम वोट करें, अरमान मलिक को बिल्कुल वोट ना करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा घटिया इंसान है, यही निकलना चाहिए। मतलब बिग बॉस के मेकर को इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इसे निकालना भी चाहिए बिग बॉस में से, क्योंकि ये बंदा खेलने के लायक नहीं है। सब पे घटिया टिप्पणी करना, कभी पहले शिवानी के पीछे पड़ी, पायल मलिक पड़ी, कृतिका मलिक पड़ी, औजी पड़ी, एक टॉपिक और छेड़ा था अभी कुछ दिन पहले के मतलब गरीबों के पास कहाँ से गाड़ी आई। अरे भैया उसने मेहनत करी है, गरीबों के पास गाड़ी नहीं आ सकती है। अभी फिर टॉपिक छेड़ा तो अभी शिवानी के साथ भी वहाँ गई हैं, शिवानी से भी मुलाकात की है, शिवानी के साथ मुलाकात करके शिवानी ने हाँ कहा था, भाभी आपने कहा था। और इस बात में भी हुई है कि शिवानी ने कहा था, शिवानी से कहा था कि खाना डाल दो, अपनी काम वाली से कहा था शिवानी के बारे में, इसको खाना डाल दो। तो वहाँ भी ये साफ क्लियर करने गई थी तो शिवानी अपनी बात पर बिल्कुल अड़ी रही, उसने कहा हाँ भाभी कहा था, तुमने कहा था। और फिर एक बात और खुल के आई इसके बारे में कि मुझसे भी कहा था, एक छोटा सा बच्चा था वो रो रहा था, तो अरमान मलिक भाई ने भी कहा था जब लेके नहीं आ सकते तो इस बच्चे को दूध की जिम्मेदारी का मेरी है, मैंने कहा किसी का ठेका ले रखा है, ये भी भाई ने बोला था। अब बात तो आप सफाई देने गई हैं, एक सफाई और लेके आई हैं, फिर आप सोशल मीडिया पे आके रो रही हैं मुझे इतना हेट मिल रहा है, इतना ये मिल रहा है, इन बातों को कर रही हैं, रो के आप दिखा रही हैं अपने पति को, अपनी जो छोटी बहन है, बहन कहते का जो भी है तुम्हारी, जो भी लगती हो, मुझे कुछ किसी से लेना देना नहीं है। पर हाँ ये गलत बात है, अरमान मलिक ने ये सबसे ज़्यादा नीच हरकत की है जो विशाल पे हाथ छोड़कर, कभी भी आज तक मैं भी बिग बॉक्स देखती हूँ, कभी भी आज तक किसी ने किसी के मौत मौजवानी जंग तो खूब भैया खूब देखी है हमने, पर मैं किसी ने किसी के बारे में ऐसे शब्द नहीं बोले जो अरमान मलिक ने शब्द बोले, जो हाथापाई करी है विशाल थे। और विशाल की फैमिली भी इस चीज़ को देख रही होगी कि उसके बेटे के साथ कैसा बदसलूक किया जा रहा है, और बार बार बिग बॉक्स वाले भी ये चीज़ रिपीट कर करके दिखाए जा रहे हैं, ये चीज़ दिखाए जा रहे हैं, उसकी फैमिली को अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा बताइए आप, किसी के बारे में ऐसे शब्द बोल रहे हो आप। और वो फिर भी माफ़ी मांग रहा है, माफ़ी के बाद भी अरमान मलिक ने अपनी हद पार कर दी है, ऐसा गाल पे चांटा धरा है विशाल पांडे के, आप ज़रूर देखिए कि उसका गाल भी लाल पड़ गया है। ये अरमान मलिक की हरकत है, बाज आ जाओ बाज।